हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में आपका विद्युत चैप्टर चल रहा है, तो विद्युत चैप्टर में आज हम आपकी तीसरी क्लास है जो विद्युत चैप्टर का है, या आज आपकी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम आप लोगों को PYQ बता रहे हैं। इस PYQ किसका PYQ है? अभी तक जो भी एग्जाम में रेलवे के NTPC ग्रुप डी, ALP और आपका NTPC, तो उन सब में क्या हुआ, जब जितना भी साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिजिक्स से, तो उन सब का हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आप तो लोग थियोरी तो पढ़ लेते हैं, थियोरी पढ़ने के बाद जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही क्वेश्चन बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। तो हमें आशा होगा कि आप लोग थियोरी को पढ़े होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं थियोरी को आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो थियोरी पढ़े होंगे और इस जो हम PYQ करा रहे हैं, इस PYQ के माध्यम से लमसम आपको हम थियोरी भी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध, 8 ओम और 12 ओम के क्या हैं? दो प्रतिरोध हैं। तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, तो मान लेते हैं एक R1 क्या है, R1 आपका 8 ओम और R2 आपका है 12 ओम, R2 आपका क्या है 12 ओम। प्रतिरोध A और B है, या आपके क्या है A और B है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो श्रेणी क्रम की बात आ गई, तो हम लोग का जो घर की सप्लाई होती है तो दो क्रम में होती है, एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो जब बात आ जाती है, तो श्रेणी क्रम का जो नेट प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम का जो नेट प्रतिरोध होता है वह R1 + R2 होगा। मतलब जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे वह सबका क्या होता है, वह सब जोड़ के क्या होता है, नेट प्रतिरोध बराबर होता है। और यदि V1 और V2 क्या क्रमशः A और B के सिरों पर विभव पात हैं, इस पर क्या है V1 और V2 क्या है, विभव है, विभव पात मतलब विभव है V1 और V2, तथा I1 और I2 इनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 बराबर I1/I2 का क्रमशः मान ज्ञात करना है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्रेणी क्रम जो लिखा है यहाँ से एक क्वेश्चन को आप समझिएगा। जब श्रेणी क्रम की बात आ जाती है तो उसमें जो धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का मान क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में सभी जगह क्या होंगी, धारा एक समान होगी, और वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होती है और धारा का प्रवाह भिन्न भिन्न होता है। तो हमें आप लोग यहाँ मालूम हो गया कि श्रेणी क्रम में आपका मान लेते हैं I1 = I2 = I, तो यहाँ क्या है, तीनों यहाँ क्या है, धाराएं क्या है, समान है। मतलब मान लेते हैं, मतलब आप लोग समझिएगा, मतलब प्रतिरोध A पर मान लेते हैं A1, और इसे मान लेते हैं B2, A2, RB मान लेते हैं, या आपका IA और IB। तो इन सब में क्या है, आपकी धाराएं क्या हैं, समान हैं। पहले तो इन दोनों को हम नेट प्रतिरोध निकाल लेते हैं। नेट प्रतिरोध के बाद पहले हम धारा का I का मान निकालते हैं। मतलब जो धारा इस पर लगेगी वही धारा इस पर लगेगी, और दोनों जोड़कर होगी उसमें भी वही धारा का प्रवाह होगा। तो अगर हम I1 निकालेंगे, I बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I/R, V बराबर I/R, I बराबर क्या होगा, VR होगा। नहीं, यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका V बराबर होता है वह IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा, I बराबर क्या होगा, V/R होगा। हमें I का मान को निकालना है, मतलब विद्युत I किसको डिनोट करता है, विद्युत धारा को डिनोट करता है। तो नेट प्रतिरोध कितना है, नेट प्रतिरोध अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों का देखिएगा नेट प्रतिरोध कितना आएगा, यहाँ नेट प्रतिरोध 8 + 12, तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ 20 ओम क्या है, नेट प्रतिरोध है, 20 ओम क्या है, यहाँ पर नेट प्रतिरोध। तो नेट प्रतिरोध को हम यहाँ R का मान कितना है, 20 है, और V का मान कितना है, वोल्टेज का मान 6 वोल्ट है, कितना है 6 है। तो आप यहाँ से जब काटेंगे तो आप लोगों का
दो तियाई छ होगा, तो यहाँ कितना मान आएगा, 3/10, या आप इसको लिख सकते हैं 0.3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या किसका मान है, आई का। आई को हमेशा एम्पियर से डिनोट किया जाता है, जो धारक होता है हमेशा एम्पियर से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे इतना, आई का मान हो गया। अब आई का मान चाहे आई वन, अब देखिए आई वन या आई टू, चाहे आई ए चाहे आई बी करिए, तो आई वन मान ले लेते हैं और आई टू ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ आई वन आई का मान, और ये देखिए तीनों बराबर है, तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0.3 रखेंगे और यहाँ 0.3 रखेंगे, तो यहाँ आई का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। आई का मान क्या होगा, यहाँ पर एक होगा। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा, आपका ये बी और डी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं आप लोगों, अब वी वन और वी टू का मान हमें निकालना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अब वी बराबर क्या होगा, वी वन बराबर क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वी वन बराबर होगा, वी वन बराबर आप लोगों का आई और आर वन, वी वन बराबर आई आर वन। तो यहाँ आपका आई का मान कितना है, 0.3 है, और आर वन का मान कितना है, 8 है। आर वन का मान कितना है, 8 है। और वी टू बराबर निकालते हैं, वी टू बराबर क्या होगा, आपका आई का मान 0.3 है और आर टू का मान कितना है, 12 है। आर टू का मान कितना है, 12 है। अब अगर हम वी वन अपान वी टू करें, वी वन अपान वी टू, तो वी वन का मान कितना है, 0.3 × 8, और वी टू का मान कितना है, 0.3 × 12। तो यहाँ ये कट जाएगा, अब देखिए जो जो समान रहेगा वो कट जाएगा। अब 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो यहाँ हमें कितना मान प्राप्त होगा, 2/3, यहाँ कितना, 2/3 का मान हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ आई का मान कितना है, आई का मान, और आई वन अपन आई टू का मान कितना आया, 1 आया। आई वन अपन आई टू का मान कितना आया, 1 आया। और आपका वी वन अपन वी टू का मान कितना आया, 3/2 आया। वी वन अपन वी टू का मान आपका क्या आया, 3/2 आया है। तो आप किस ऑप्शन में देखिए मैच कर रहा है, वी वन अपन वी टू और आई वन अपन आई टू, तो आई टू, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में आपका मैच खा रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये आपका ए ऑप्शन गलत होगा। तो अगर दो प्रतिरोध 8 ओम और 12 ओम को 6 वोल्ट को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो उनमें धारा का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो हमेशा ये आपका धारा वी वन आई वन अपन आई टू 1 होगा, और वी वन और जो वोल्टेज होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो हम आप लोगों को वोल्टेज निकाल के इस न्यूमेरिकल को आपको हल करके बता दिए हैं, तो हमें विश्वास होगा या आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। अब धारा की गणना कीजिए, धारा की बात आ रही है, तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसमें धारा बराबर आई बराबर क्या होगा, वी अपान आर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक परिपथ बनी हुई है, परिपथ में यहाँ देखिए 2 ओम और 2 ओम यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ देखिए दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, अगर पूछा जाए तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ देखिए आर वन मान लेते हैं, आर वन बराबर कितना दिया गया है, 2 ओम, और आर टू भी बराबर कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, और वोल्टेज कितना दिया गया है, 4 वोल्टेज दिया गया है। ये आपके परिपथ में इतना दिया हुआ है, यह आपका 2 ओम है, या अभी आपका 2 ओम है। अब नेट प्रतिरोध निकाल लेते हैं, आर नेट प्रतिरोध आपका कितना होगा, R1 + R2 आपका नेट प्रतिरोध होगा। अब R1 का मान 2 + 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज आपका दिया गया है, 4 वोल्ट भी दिया गया है, और I बराबर क्या होगा, अभी आप लोग को क्या बताया, I बराबर V/R होगा। तो V का मान कितना दिया गया है, 4 वोल्टेज दिया गया है, और R का मान भी कितना दिया गया है, 4 ओम। यहाँ पे भी देखिए R नेट R का मान आया, ये आपका नेट R होगा, तो R का मान यहाँ कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 क्या आ रहा है, एम्पियर आ रहा है, 1 क्या होगा, एम्पियर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 1 एम्पियर दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी में 1 एम्पियर दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। यह आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो आप लोग न्यूमेरिकल करने का प्रयास करिए, न्यूमेरिकल से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 या 2 न्यूमेरिकल पक्का आएगा साइंस से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हमें आशा होगा या लोग अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बना लेंगे। वी बराबर आई, अगर आई आपको फार्मूला याद होगा
तो आप लोग आराम से क्वेश्चन इसको बना लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है। एक बैटरी है उसमें चालक में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। यदि चालक का प्रतिरोध मतलब अगर उसमें चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है, मान लेते हैं कोई बैटरी है उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा आपकी क्या प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है आपकी धारा, और प्रतिरोध मान लेते हैं आर है। कोई एक प्रतिरोध आपका कितना है? आर है। प्रतिरोध आपका आर है, लेकिन क्या कर दिया जा रहा है, क्या कर चालक में क्या कर दिया जाए, कुछ बदलाव कर दिया जा रहा है। उस बदलाव में क्या कर दिया जा रहा है कि प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जा रहा है। अब यहाँ आपका प्रतिरोध आर था, अब उसके बाद क्या किया गया, एक नया प्रतिरोध या आपका मान लेते हैं नया प्रतिरोध या आपका न्यू प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, न्यू प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो अब पूछा जाए उसमें अब कितनी धारा प्रवाहित होगी, अब उसमें पूछा जा रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या होगा V/R। अगर हम R के मान को कम करेंगे, अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत धारा I होती है वह R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मान ले, जो आई है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा आर के प्रतिरोध आर के, तो अगर हम आर का मान को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध क्या हो रहा है, 4 गुना कर दिया जा रहा है, प्रतिरोध को क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो आई का मान पहले आई था तो आई से वह कम होगा, अब वह धारा आई का मान पहले से वह कम होगा। तो ये ऑप्शन बी और डी में देखिएगा, तो यह 4I या आई है, आई से कम होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि यह आई के बराबर और आई से अधिक है। अब ऑप्शन ए और सी में देखिएगा, I/2 हो जाती है, I/4 हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग प्रयास करिए लगाने का। मान लेते हैं पहले धारा आई थी, धारा क्या है उसमें आई है, और आपका वोल्टेज को दोनों में वोल्टेज क्या है, एक समान है, और V/R होगा। अब मान लेते हैं धारा क्या है, धारा आई ही है, वोल्टेज समान है, अब प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, 4R प्रतिरोध हो जा रहा है। यह पहले का है, यह बाद का है, यह पहले, और यह जब 4 प्रतिरोध हो जाए, मान लेते हैं I2 है, यह I2 है, यह आपका क्या है I2, हमें I2 का मान निकालना है, बाद में I2 का मान कितना होगा। अब क्या करते हैं, भी इसमें भी बराबर क्या होगा, IR होगा, और इसमें भी बराबर क्या होगा, I2/4R होगा। अब यहाँ देखिए जो भी और भी क्या है, बराबर है, तो IR बराबर क्या होगा, IR बराबर क्या होगा, I2/4R, I2/4R। तो यहाँ RR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो I2 का मान कितना होगा, I/4 होगा। I2 का मान कितना होगा, I/4 होगा। मतलब आप लोग यहाँ समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो I2 का मान होगा वह I/4 होगा। तो I/4 किस में ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है I/4, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, I/4। तो यह समझ लीजिए कि अगर प्रतिरोध जितना गुना बढ़ रहा है उतना ही आपका धारा का मान कम होगा, जितनी अधिकतम वृद्धि होगी उतनी ही न्यूनतम आपकी धारा कम होगी, मतलब जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही कम आपकी धारा होगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, अभी आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको यह फार्मूला याद है V/IR, तो यह इस फार्मूले के माध्यम से आप इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को, हीटर क्या है, 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है, तो हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, एक हीटर उसमें कितनी वोल्टेज है, 250 वोल्टेज, तो हीटर में वोल्टेज कितना है आपका, 250 वोल्टेज है, और संयोजित किए जाने इसके उपभोग की जाने वाली जो विद्युत शक्ति है 500 वाट है। अब विद्युत शक्ति की बात की जाए तो पावर किया जाती है, P बराबर कितना है, 500 वाट है, P बराबर कितना है, 500 वाट है। तो जो
प्रति इकाई समय है, तो हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा का मान, मतलब धारा का मान पूछा जा रहा है। जब धारा की बात आ जाए तो आई पूछा जा रहा है, आई आपका मान पूछा जा रहा है, आई क्या एम्पियर हो गया, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत शक्ति पी बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को जानते हो शक्ति कहते हैं, पी अपान टी कहते हैं, मतलब डब्ल्यू अपान टी, कार्य करने की दर को पी डब्ल्यू अपान टी कहते हैं। तो आप लोग डब्ल्यू का मान कितना होता है, तो आप लोग ऐसे समझिए, जाने दीजिए लेंदी हो जाएगा, तो आपका फार्मूला याद हो जाना चाहिए। तो पी बराबर क्या होता है, वी आई, पी बराबर क्या होता है, वी आई। तो आपका वोल्टेज और शक्ति का मान मालूम है, तो आप धारा आई का मान निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या होगा, पी अपान वी, आई बराबर क्या होगा, पी अपान वी। तो पी पावर का मान कितना दिया गया है, 500 वाट दिया गया है, और आपका वोल्टेज का मान कितना दिया गया है, 250 वोल्ट दिया गया है। जब आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे, देखिए इसके ठीक गुना, दो गुना है, तो आपका कितना मान आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो जो आई का मान होगा यहाँ 2 एम्पियर आ जाएगा। तो 2 एम्पियर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर में 250 वाट स्रोत से संयोजित किए जाने वाली, उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है, तो हीटर द्वारा जो धारा ग्रहण करेगी 2 एम्पियर की धारा ग्रहण करेगी, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये आपको फार्मूला यहाँ कौन सा यूज हो गया, पी बराबर वी आई। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं, इसलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह आपका कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा। आप लोग जानते हैं हम लोग को जो विद्युत सप्लाई आती है वह दो धारा होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एसी। प्रत्यावर्ती धारा को क्या बोला जाता है, एसी बोला जाता है। और एक आपका डीसी होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट और या डायरेक्ट करंट। यह प्रत्यावर्ती धारा होती है, डायरेक्ट धारा होती है। जो हम लोग को घरों में सप्लाई आता है पावर हाउस से या सब स्टेशनों से या ट्रांसफार्मर से, वह हमेशा एसी व सप्लाई आती है। वह हमेशा कैसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है। एसी सप्लाई की जो दिशा होती है यह आपके समय के साथ बदलती रहती है। जो एसी सप्लाई की दिशा होती है यह आपके समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, क्योंकि इसे अल्टरनेट मतलब प्रत्यावर्त करती रहती है। और आपका जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा होती है, या आपके बैटरी के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है, दिष्ट धारा होती है। इसकी दिशा हमेशा एक ही एक होती है, इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा एक होती है दिष्ट धारा की। तो जो धारा होती है दो रूपों में चलती है, एक डीसी और एक एसी। तो हम लोग को घरों में जो ज्यादातर यूज होता है वह कौन से सप्लाई का यूज होता है, वह एसी सप्लाई के माध्यम से सारे हम लोग को घर में उपकरण चलते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं हम लोग को जो मोबाइल वोबाइल जो चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज करते समय आप लोग जानते हैं कि मोबाइल का जो पिन, मोबाइल में का जो चार्जर का पिन मोबाइल में लगता है, अगर आप प्लग को ऑन करेंगे उसमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि वहां तो विद्युत आ रही है। विद्युत आने पर क्या होती है, हम लोग का मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन वहां जो धारा आती है, जो धारा आती है वह एसी से डीसी से कन्वर्ट करके आती है। उसमें एसी से क्या करते हैं, डीसी को कन्वर्ट करके आती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एसी को डीसी में बदलता है, अगर एसी को अगर आप डीसी में बदलेंगे और डीसी को आप एसी में बदलेंगे, देखिए कौन से उपकरण के द्वारा बदला जाता है, डीसी को एसी हमेशा किसके द्वारा बदला जाएगा, इन्वर्टर के द्वारा। इन्वर्टर के द्वारा हमेशा क्या होता है, डीसी को एसी में बदला जाता है। और रेक्टिफायर के द्वारा क्या होता है, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, और डीसी को एसी किस में बदला जाता है, इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। तो हम लोग को घरों में जो इन्वर्टर लगा रहता है वो बैटरी से ऊर्जा लेके वह डीसी सप्लाई लेके हम लोग को एसी सप्लाई देती है। तो ये आपको याद, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसी को डीसी में कौन सा उपकरण परिवर्तन करती है, और डीसी एसी से कौन सा उपकरण परिवर्तन करती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग को हम बता दिए प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। अब चार ऑप्शन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा सही पूछा जा रहा है। धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है।
ऑप्शन बी में देखिए धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। ऑप्शन सी में देखिए धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में देखिए धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलत होती है। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो धारा की जो दिशा और परिमाण होती है समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, लेकिन आपकी जो दिशी धारा होती है, दिष्ट धारा इसे बोलते हैं, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। समय मतलब धारा जो यह डीसी सप्लाई होती है समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है समय के साथ क्या होती है? दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब देखिए आप लोग लगाने का प्रयास करिए। तो अगर हम आप लोग को क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो बनाते हैं तो आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन अपने से भी प्रयास करिए। जब आप लोग थियोरी पढ़ के अपने से भी प्रयास करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन और जल्दी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है कि विद्युत उपकरण लगा है उस पर कितना वोल्टेज है 50 वोल्टेज का। तो मान लेते हैं भी कितना दिया गया है 50 वोल्ट, भी कितना दिया गया है 50 वोल्ट, और उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा आई कितनी प्रवाहित होती है? 5 एम्पियर की। धारा आई कितनी प्रवाहित होती है? 5 एम्पियर की। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए, अब पहले विभवांतर कितना था? V1 था, 50 वोल्ट था। अब V2 कितना कर दिया जा रहा है? 110 वोल्ट कर दिया जा रहा है। तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो मतलब अगर जब धारा वोल्टेज 110 कर दिया जा रहा है तो धारा का मान कितना होगा यही पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ I1 या I2 मान लेते हैं, यही क्या पूछा जा रहा है। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर देखिए वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए एक दूसरे के समानुपाती दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, तो यह क्या होगी? इनमें धारा का भी मान बढ़ेगा। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा। तो आंसर हमेशा 5 एम्पियर से क्या होगा? अधिक होगा। तो यह आपका सी तो होगा ही नहीं, अब आपका 10 या 11 या 25 एम्पियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आपका इसमें कोई उपकरण लगा है, विद्युत उपकरण लगा है, तो उपकरण में क्या होती है? प्रतिरोध होता है। वह विद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वो प्रतिरोध होते हैं। तो इसमें आपका R का मान निकालना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? V/I, क्योंकि प्रतिरोध उपकरण तो वही लगा हुआ है और केवल विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है। तो V पहले कितना था? V1 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। V1 पहले कितना था? V1 आपका 50 वोल्ट था, V1 आपका 50 वोल्ट था, और I1 आपका कितना है? 5 एम्पियर है। I1 आपका कितना है? 5 एम्पियर है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 10 ओम आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 10 ओम आएगा। जो प्रतिरोध है यह क्या है? कितना है? 10 ओम है। अब आपका क्या मान? I2 मान निकालना है। तो अभी हम आप लोग को क्या बताए? V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ I2 का मान कितना होगा? I2 बराबर V/R होगा। तो यहाँ V का मान कितना दिया गया है? तो V का मान आपका V2, यहाँ V2, और R का मान तो दोनों में सेम ही है। तो V2 का मान कितना दिया गया है आप लोगों का? 110 वोल्ट दिया गया है। और R का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो यहाँ I2 का मान कितना होगा? 11 एम्पियर। जो I2 का मान कितना होगा? 11 एम्पियर होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं आपको 11 एम्पियर दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है 11 एम्पियर, यही आपका आंसर है। यह आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कोई इसमें प्रतिरोध उपकरण लगा है, 50 वोल्ट की धारा बह रही, 50 वोल्ट में, और 5 एम्पियर की धारा बह रही थी। अब वोल्टेज को क्या कर दिया जा रहा है? बढ़ा दिया जा रहा है। तो उसमें क्या होगी? धारा भी बढ़ जाएगी। तो धारा क्या होगी? पहले कितना थी? 5 एम्पियर, अब कितना हो गई है? 11 एम्पियर से धारा उस उपकरण में प्रवाहित हो रही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास करिए। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, AC और DC किसके रूप होते हैं। तो AC और DC क्या होते हैं आप लोग को अभी हम आप पिछली क्वेश्चन बताए हैं, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, और
एसी को हमेशा डीसी में कौन सा उपकरण बदलता है, एसी को डीसी आपका रेक्टिफायर बदलता है और डीसी से एसी आपका इन्वर्टर बदलता है। तो यह हमेशा कैसी प्रवाह या धारा के प्रवाह को बताता है। एसी और डीसी कहाँ पे होते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, धारा का प्रवाह। तो इसमें आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए में देखिए दिख रहा है धारा का प्रवाह, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एसी और डीसी किसके रूप में है, धारा के प्रवाह के रूप में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है केपलर का नियम, ऑप्शन बी में लैम्बर्ट का नियम, ऑप्शन सी में जूल का नियम, ऑप्शन डी में लेंज का नियम। तो यहाँ जो नियम होगा विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। यहाँ किसका नियम है, आपका जूल का नियम है, या किसका नियम है, जूल का नियम है। तो यहाँ देखिये जो विद्युत धारा प्रवाह प्रतिरोध के संबंध में जो सुचालक आपके होते हैं उसमें कुछ प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या 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 होते हैं, अगर कहीं परिपथ में कोई किसी विद्युत परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित को जो रोकने का काम करता है, अवरोध करने का काम करता है, वह आपका प्रतिरोध होता है, या आपका जूल का नियम से संबंधित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, कोई तार है, तार से मान लेते हैं कोई धारा क्या हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, धारा क्या हो रही है, कोई तार से धारा क्या हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कोई तार है, धारा क्या प्रवाह, आई प्रवाहित हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, आवेश कितना है, आवेश आपका ई है, आवेश आपका ई है। तो आवेश को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, आपके फार्मूला याद हो जाना चाहिए, या I बराबर क्या होता है, Q अपान टी, I बराबर क्या होता है, Q अपान टी। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में क्या होता है, अगर आवेश की दर की प्रवाहित होती है तो वहाँ क्या होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और Q बराबर होता है आपका एक एन ई, Q बराबर एन ई। तो यहाँ ई क्या है, यह आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन को क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ई बराबर क्या होता है, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, क्योंकि क्यू का मात्रा आपका कूलाम में होता है, 1.6×10⁻¹⁹ आपका यह कूलाम होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, Q बराबर है नहीं, अब तो यहाँ किसका मान पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जहाँ यह n किसको बताता है, n आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, n आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आपका बताता है। तो आप लोग समझिएगा, अब यहाँ पे Q बराबर यानी यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि n पूछा जा रहा है, तो यह Q बराबर n, Q को यहाँ मान रख देते हैं, तो यहाँ मान जब आप लोग रखेंगे n, e बराबर क्या होगा, आई इंटू टी, आई इंटू क्या होगा, t होगा, तो n बराबर क्या होगा, आई टी अपान ई, आई टी अपान ई, n बराबर क्या होगा, आई टी अपान ई, n बराबर क्या होगा, आई टी अपान ई। तो यहाँ पे देखिए कहीं आई टी अपान ई आपका ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी में देखिए दिख रहा है q n बराबर क्या होगा, आई टी अपान ई, यही पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें देखिए दो फार्मूलों का यूज हुआ है, कौन कौन सा है, एक क्यू बराबर आई टी, एक क्यू बराबर एन ई, इन दोनों के फार्मूले के माध्यम से इस आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं। यह आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव प्रभाव से संबंधित है, कौन सा नियम है उष्मीय धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं किसी परिपथ में अगर विद्युत धारा बहती है तो उसमें क्या होता है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा गमन करती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह या गमन करती है उसमें क्या होती है, उष्मा उत्पन्न करती है, तो उसमें उसे क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, क्योंकि वहाँ विद्युत धारा बहने से क्या हो रहा है, वहाँ पे उष्मीय प्रभाव हो जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया गया, ओम का नियम, ऑप्शन बी में फैराडे का नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी में जूल का नियम।
तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, जो जूल का नियम। जो हमारे जूल नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा को क्या बोला गया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वहां पे क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो जूल का कुछ नियम है आप लोग समझिएगा, जो ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के क्या है, तीन नियम है। तो पहला नियम यह है कि ऊष्मीय प्रभाव को हम एच से डिनोट करते हैं। ऊष्मीय प्रभाव आपका क्या है, एच से हम इसे डिनोट करते हैं, यह ऊष्मीय प्रभाव आपका एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो ऊष्मीय प्रभाव है, जो ऊष्मीय प्रभाव एच है, आपका पहला नियम क्या है, जो ऊष्मीय प्रभाव है क्या होता है, या किसी परिपथ में जब विद्युत धारा बहती है, या विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जो ऊष्मीय प्रभाव होता है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा के क्या होगा, यह विद्युत धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब अगर विद्युत धारा को अगर वर्ग से बढ़ा दिया जाए तो उससे अधिक क्या होगी, उसमें हीट उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एच है यह समानुपाती होता है टाइम के। जो एच होता है यह क्या होता है, टाइम के, मतलब टाइम मतलब समय के क्या होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जो एच है यह आपके प्रतिरोध के, मतलब उष्मा जो है प्रतिरोध के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। जो उष्मा है यह प्रतिरोध आर के भी समानुपाती होती है। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ एच बराबर आपका मान क्या होगा, यहाँ समानुपाती, यहाँ का ये मान हटेगा तो यहाँ के आए बराबर का मान के आएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो के का मान मान लेते हैं यहाँ पे वन, तो एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यह उसमें ऊर्जा का मान है, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यह कौन से नियम पे कार्य कर रहा है, जूल के नियम पर यह कार्य कर रहा है। तो विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव है किसे संबंधित है, जूल के नियम से संबंधित है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए, यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। एक फार्मूला आप लोग को याद कर लीजिए, आप लोग जो आर प्रतिरोध आर बराबर होता है या आपका एल अपान ए, ये विशिष्ट आपकी क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध इसे बोला जाता है। तो मतलब ये आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, ये आपका जो प्रतिरोध है यह आपकी क्या होता है, लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई प्रतिरोध आर है किसी चालक में, क्या प्रतिरोध आर है, अगर चालक की लंबाई को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं पहले लंबाई एल थी, अब लंबाई क्या हो गई है, एल टू हो गई है। तो जितनी लंबाई बढ़ जाएगी, मान लेते हैं टू एल हो गई, यहाँ टू एल हो गई है, तो अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। और R बराबर क्या होता है, इस फार्मूले से आप लोग समझिएगा, प्रयास करिएगा, R बराबर वन अपान ए, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या स्क्वायर होता है, क्या है आपका एरिया को बताता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग समझने का प्रयास करिए, यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध होता है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह कोई मान लेते हैं वायर है, और वायर को क्या किया जाए, मान लेते हैं पतला वायर है और यह बड़ा वायर है। अगर हम यह पतला वायर है या क्षेत्रफल इसका कम है, अगर क्षेत्रफल कम है तो उसमें धारा क्या होगी, अधिक प्रवाहित होगी। क्षेत्रफल क्या है इसका कम है तो उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। मतलब यह इसके अगर एक आर का मान क्या हो गया, आर का मान कम है तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। अगर इस तार का क्षेत्रफल अधिक है तो जो धारा अवरोध होगा वह आपका अधिक होगा। मतलब तार की मोटाई आप अधिक है तो उसमें अवरोध आपका अधिक होगा, तो उसमें धारा का प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। और अगर आपकी पतला तार है, अगर क्षेत्रफल उसका कम है, क्षेत्रफल आपका अगर कम है तो आर का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यही देखिए क्वेश्चन पूछा था, यदि तार का व्यास, तो व्यास आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2R बराबर क्या, व्यास कितना होता है, व्यास आपका 2R होता है, व्यास आपका क्या होता है, 2R होता है। इस व्यास के तार को आधा कर दिया जा रहा है, मतलब आधा करके क्या कर दिया जा रहा है, R। तार के व्यास को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जा रहा है, तो तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। अब यह आपका R, आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। जैसे जो तार कैसा होता है, वृत्तनुमा होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ तार के व्यास को आधा कर दिया जा रहा है, अगर व्यास को आधा, आर बराबर क्या होगा, कैपिटल जो व्यास होगा यह 2R होता है,
मतलब कि अगर जो त्रिज्या होती है वह व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास की क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है। इसे क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। अगर मतलब चार था, अब दो कर दिया जा रहा है, तो दो कर दिया जा रहा है, तो जो आर का मान कितना होगा, आर का मान एक हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि यह टू पहले चार था, अब इसको आधा कर दिया गया तो टू हो गया, टू के बाद आर का मान एक हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पाई मान लेते हैं, आर का मान एक हो, यहाँ एक स्क्वायर होगा, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा। तो तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो आई का मान क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। आई का मान क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यहाँ किसका मान पूछा जा रहा है, आई का मान क्या है, पूछा जा रहा है। और आपका मान लेते हैं वोल्टेज यहाँ पे क्या है, निश्चित है। वोल्टेज आपका क्या है, यहाँ पे निश्चित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग समझने का प्रयास करिए, कोई तार का व्यास मान लेते हैं एक है, तार का कितना दिया है व्यास, एक मीटर मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास को क्या किया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तो वन अपान टू होगा, वन अपान क्या हो जाएगा, टू होगा। और इसका जो तार है ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का आकार पाई आर स्क्वायर होता है, तो आई क्या होगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर, ए क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ए प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, क्या होगा यहाँ आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना दिया गया, वन अपान टू, तो यहाँ जो क्षेत्रफल का मान होगा वन अपान टू का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना मान आ जाएगा, वन अपान फोर, तो जो क्षेत्रफल है आपका वन अपान फोर हो जाएगा। अगर तार को व्यास को आधा कर दिया जा रहा है तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, वन अपान फोर हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो जा रहा है, प्रतिरोध का मान आपका जो ये आर है यह कम हो जाए तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आप लोग यहाँ समझिएगा, आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर होता है। आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर होता है। पहले प्रतिरोध अब क्या हो गई, यह आपके आई बराबर वी अपान आर, तो इसमें क्या होगा कि तो दोस्तों आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिए, अगर आपका क्षेत्रफल क्या है, किसी वायर का क्षेत्रफल आपका क्या है, एक है, अगर मान लेते हैं एक नहीं दो मान लेते हैं, क्षेत्रफल आपका क्या है, दो है, क्षेत्रफल आपका क्या है, दो है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान वन अपान टू हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, वन अपान टू हो जाएगा। दो है तो वन अपान टू, अगर क्षेत्रफल यहाँ क्या है, अगर वन अपान फोर है, अगर क्षेत्रफल आपका क्या है, वन अपान फोर है, क्षेत्रफल आपका वन अपान फोर है, तो आपका आर का मान कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, फोर हो, यहाँ क्षेत्रफल आपका वन अपान फोर है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्योंकि यह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसके उल्टे उल्टा होते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप लोग समझिएगा, आर बराबर क्या होगा, अब यहाँ वन अपान, यहाँ एक मान कितना आया है, वन अपान फोर, तो यहाँ वन अपान फोर रखेंगे तो आर बराबर क्या होगा, ऊपर क्या चला जाएगा, फोर चला जाएगा। तो आर बराबर हमें यहाँ क्या मिल गया, फोर मिल गया। अब यहाँ भी अपान क्या रखते हैं, यहाँ फोर होगा, यहाँ फोर आर होगा, मान लेते हैं यहाँ फोर आर होगा, यहाँ फोर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ जो धारा का मान होगा, जो धारा का मान क्या होगा, वन वन चौथाई हो जाएगा, पहले से क्या होगा, वन चौथाई हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान एक चौथाई हो जाएगा। तो यह आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, एसी होता है, आपका क्या है, एसी होता है, और दिष्ट धारा होता है आपका डीसी होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है, की जा सकती है, ऑप्शन ए में मूविंग आयरन प्रतिकर्षण प्रकार का वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन बी में स्थायी चुंबक प्रकार का एमीटर द्वारा, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन डी में प्रेरण अमीटर द्वारा। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है या किसके द्वारा मापी जाती है, तो अमीटर द्वारा मापी जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा, प्रेरण
एमीटर द्वारा मापी जाती है। जो एमीटर होता है आप लोग जानते हैं दो क्रम होता है, एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है। जो एमीटर होता है किसी परिपथ में किस क्रम में लगता है तो यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर हमेशा किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। और एक वोल्ट मीटर होता है आपके वोल्टेज को मापता है, यह आपके किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है। यह हमेशा समांतर क्रम में लगता है, यह परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगता है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसके द्वारा मापी जाती है, एमीटर के द्वारा। धारा हमेशा एमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विगनल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं, जो विद्युत विगनल होते हैं। ए में धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी में धारा के शीतलन प्रभाव, ऑप्शन सी में धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पे बोला जाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यह जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो जो विद्युत विगनल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकेंड में 20 कूलाम आवेश से गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान मतलब आई पूछा जा रहा है, आई आपके क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर एक सेकंड में 20 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है, टाइम कितना दिया गया है, एक सेकंड दिया गया है, टाइम आपका कितना है, एक सेकंड है, और क्यू बराबर कितना है, कूलाम कितना गया है, 20 कूलाम है, क्यू का मान 20 कूलाम है। तो आप लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। क्यू का मान कितना है, 20 कूलाम है, और आई टी का मान कितना है, एक सेकेंड है। तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर आ जाएगा। तो 20 एम्पियर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 20 एम्पियर आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो जो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी, अभी फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। जितने भी फार्मूला आपको याद रहेंगे उतने से अच्छा आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे और उतना जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। किसी हीटर में क्या हो रहा है, विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई कितना दिया गया है, 4 एम्पियर। आई कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, और मध्य विभवांतर कितना है, जो आपका विभव है आपका 60 वोल्ट है, 60 आपके वोल्ट है। तो अगर विभवांतर को बढ़ाकर मान लेते हैं V1 है, अगर V2 कितना कर दिया जा रहा है, 127.5 एम्पियर कर दिया जा रहा है, तो वोल्ट कर दिया जाए, आपका वोल्ट है 127.5 आपका वोल्ट हो जाता है। तब हीटर में विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है, मतलब I2 का मान पूछा जा रहा है। I2 का मान आपका I1 है, यह आपका I1 है। तो यहाँ आप पहले हीटर का प्रतिरोध निकालेंगे, तो V बराबर क्या होता है आपका IR होता है, R बराबर क्या होगा, V अपान I होगा। तो यहाँ पहले V का मान कितना दिया गया है, पहले 60 वोल्ट दिया गया है, और आई के मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो क्या हो गया, 15 चौका 60, यहाँ 15 ओम आ गया। प्रतिरोध का मान कितना है आपका, 15 ओम है, क्योंकि आर का मान दोनों में क्या है, समान है। अब विभवांतर बढ़ा के कितना कर दिया जा रहा है, 127.5 वोल्ट हो जाता है। तो अब धारा का मान आई हमें निकालना है, तो यहाँ आपका आई क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर वी अपान आर होगा, आई बराबर वी अपान आर होगा। वी अब कितना है, 127.5 है, और R का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब 15 से इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ आपका मान आंसर निकल के आ जाएगा, 15 आपका 15 अट्ठे 120 होगा, यहाँ दशमलव 15 अट्ठे 75। तो यहाँ आपका कितना मान आ गया, 8.5 एम्पियर आपका मान आ गया है। तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं आपका 8.5 दिख रहा है, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। 8.5 आपका इसमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो यह आपके आज के कुछ न्यूमेरिकल थे आप लोगों के क्वेश्चन के, जो कि विद्युत का आपका तीसरा क्लास था, यह आप लोगों का तीसरा PYQ क्लास है। तो इसी तहत हम PYQ के माध्यम से हर चैप्टर का PYQ लेके आएंगे, उस PYQ के माध्यम से आप लोगों को हम क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे एग्जाम में आप लोग सॉल्व करना है, यह आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग नए लोग हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और हमारे इस क्लास इस कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग का भी क्लास चलता है, इसको भी आप लोग देखने का काम भी करिए, मैथ और रीजनिंग का भी।
तो आज हम आपका क्लास हमारा आज आपको हमारा क्लास कैसा लगा है प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।